इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी में जूरी हेड और इजरायली फिल्म मेकर नदाव लपिड ने बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और भद्दी फिल्म बताया। वी वर ऑल ऑफ अस डिस्टर्ब्ड एंड शॉक्ड बाय द 15th फिल्म बाय द मूवी कश्मीर फाइल्स दैट फेल्ट टू अस लाइक अ प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी इनअप्रोप्रिएट फॉर एन आर्टिस्टिक कॉम्पिटिटिव सेक्शन of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. नदाव लपिड की इस कमेंट्स ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया और देखते ही देखते वो सुर्खियों में आ गए। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने नदाव को एक ओपन लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि नदाव लपिड को अपनी टिप्पणियों के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। वहीं साथ ही जूरी मेंबर सुदीप्त सेन ने इस कमेंट को नदाव के निजी विचार बताया। वहीं भाजपा समर्थक शेफाली वैद ने नदाव लपिड को अपशब्द कहते हुए ये ट्वीट्स किए। वहीं इस फिल्म के निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने नदाव लपिड के बयान के बारे में ये कहा। के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया, और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू किया था तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद ये फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके माँ बाप भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगेंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? जो पूरी तरह से एक हिंदू लैंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं। उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है, क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? यासीन मलिक ने अपने टेरर के जुर्मों को कबूल करके आज वो जेल में सड़ रहा है, क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन नक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग इवेंट को अगर प्रूफ कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो भारत में कोविड के वक्त जलती चिताओं को चंद डॉलरों में बेच रहे थे, और आज जब मैंने वैक्सीन वॉर को अनाउंस किया है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आपको जितने फतवे इशू करने हैं करिए, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। इस बीच कई मीडिया संगठनों ने नदाव लपिड के इंटरव्यूज लिए और इसी के चलते सोशल मीडिया पर यह दावा शेयर किया जाने लगा कि उन्होंने अपनी टिप्पणियों को लेकर माफी मांगी है। वहीं ये दावा भी किया गया कि उन्होंने इस फिल्म को एक बेहतरीन फिल्म बताया। द कश्मीर फाइल्स में एक्टिंग करने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने भी ये ग्राफिक ट्वीट किया, जिसमें नदाव द्वारा इस फिल्म को अद्भुत बताने का दावा किया गया है। वहीं मीडिया आउटलेट्स और वेरीफाइड हैंडल्स ने भी ये दावा किया है, जिसमें NDTV, ANI डिजिटल, HT एंटरटेनमेंट, आई टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एडिटर जी, RVCJ मीडिया शामिल है। वहीं विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी ऐसा ही दावा करने वाले ट्वीट को कोट्वीट किया है। तो क्या वाकई में नदाव लपिड ने अपनी कमेंट से पीछे हटते हुए द कश्मीर फाइल्स को ब्रिलियंट फिल्म कहा? इस मामले पर छपी NDTV और जूम टीवी की रिपोर्ट्स पढ़ने पर साफ हो जाता है कि नदाव लपिड ने अपनी कमेंट्स को लेकर कोई माफी नहीं मांगी है, बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर उनकी टिप्पणियों से पीड़ितों को चोट पहुंची है तो वो इस बात के लिए माफी मांगते हैं।
उन्होंने कहा था कि मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता था और मेरा उद्देश्य कभी भी पीड़ित या उनके रिश्तेदारों का अपमान करना नहीं था। अगर मेरी टिप्पणियों से पीड़ितों को ठेस पहुंची है तो मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूं। द वायर की 1 दिसंबर की इस रिपोर्ट में इंटरव्यूअर करण थापर CNN की रिपोर्ट के हवाले से नदाव लपीट से पूछते हैं कि उन्होंने फिल्म की आलोचना करने को लेकर नहीं बल्कि उनकी टिप्पणी से पीड़ित या उनके रिश्तेदारों की भावनाएं आहत होने की बात पर माफी मांगी थी या नहीं। इस बात पर जवाब देते हुए नदाव लपीट कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अगर वो यानी पीड़ित और उनके रिश्तेदार ये सोच रहे हैं कि मैंने उनके प्रियजनों की यादों का या उनका या उनके साथ हुई भयानक घटनाओं का अनादर किया तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। बहरहाल फिल्म को लेकर दिए गए मेरे बयान से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। वहीं नदाव लपीड ने उन रिपोर्ट्स का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने फिल्म को शानदार बताया। There is a report put out by the Indian channel CNN News 18 and they say that you have apologized for insulting people, you've apologized for hurting relatives of those who died when the killings happened. Am I right in believing you're apologizing for hurting the sentiments of people who are relatives of those who died, but you are not, and this is the important point, you are not apologizing for criticizing the film. Yeah, exactly. I mean, what I was saying is that if people were insulted by what I said, if they as I said, if they manipulated to think that I disrespect the memory of their dear ones, of themselves, or the terrible things that they happened, I'm truly sorry. Afterwards, I'm not taking back one word that I said about the movie. I read somewhere that I claim that the movie is brilliant. I mean, I should be totally crazy and schizophrenic in order to say that. No, I believe completely, and I stand completely behind my statement. यानी द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताने वाले नदाव लपीट के हवाले से झूठे बयान मीडिया चैनल्स ने चलाए, लेकिन असल में नदाव लपीट ने कश्मीर में हुई घटनाओं के पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों से माफी मांगी थी।